Hello friends, welcome to my YouTube channel, Trendonomics by Hurst. So, एक दिन में मंदी की हवा गुल, क्या हो गया? Yes, market record again. So, क्या लग रहा है आगे जाके? So, I'm going to discuss Nifty, Bank Nifty, बहुत सारे stocks आज discuss करने वाले, थोड़ा global, थोड़ा करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, और बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में. So, एंड तक देखो, बहुत सारे स्टॉक डिस्कस करेंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या लग रहा है, शॉर्ट कवरिंग आएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड. इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, शेयर करो मैक्सिमम, थोड़ा मोटिवेट करो चैनल को, ग्रो होने दो. फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स, लाइव मार्केट में ट्रेड्स देता हूँ मैं. सो फॉलो मी देयर फॉर द अपडेट्स, ट्रेड्स. फ्री में इलियट वेव सीखना है, आई एम गिविंग यू दिस फ्री ई बुक ऑन इलियट वेव, एंड यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर ऑन दिस लिंक ऑन अवर साइट एंड ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन. पूरा बुक पढ़ सकते हो, एक छोटा फ्री कोर्स है. और इलियट वेव प्राइज एक्शन सीखना है, कैसे ट्रेड करते हैं, हाउ टू ट्रेड इलियट वेव एंड प्राइज एक्शन. आई एम जस्ट गिविंग टू कोर्सेस एट अ प्राइज ऑफ 1199. सो ग्रैब दिस ऑफर until it's there. Okay, let's discuss bhai kya lag raha hai, market kya lag raha hai. Kal ek din mandi aa gayi, niche aa gaya, aur aise kal ke video mein bhi humne discuss kiya tha, ha bhai aa gaye hum log mandi karne. Aise kuch log bahut uttavle ho gaye the, bahut over confident ho gaye the, ha aa jao bhai hum pe rahe. Aur theek hai, abhi kal to bahut bearish the, aur abhi kya. तो हमने तो क्लियरली बोला है बॉस, बुल मार्केट इज कमिंग, बेयर मार्केट का टाइम खत्म हो गया. या बेयर मार्केट का टाइम खत्म हो गया, बुल मार्केट आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग आएगी. पहले शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर बाइंग आएगी, फिर सुपर बाइंग आएगी. मार्केट इज बुलिश, यस. सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर गया, मार्केट अभी पॉजिटिव है. Yes, obviously, early stage of bull market में नहीं समझ में आता. अर्ली स्टेज में किसी को नहीं समझ में आता, किसी को नहीं लगता कि भाई मार्केट तेजी करेगा. और बहुत सारे फियर्स है, इन्फ्लेशन, वॉर, क्यूई टाइटनिंग होगा, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, ये वो फलाना ढिमका. अरे यार, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड, न्यूज is always discounted. Stock market is always looking forward, आगे की देखता है stock market, पीछे जो हो गया उसको देखता नहीं है market. Inflation हो गया, war हो गया, quantitative tightening जो भी करनी थी हो गई, अभी नहीं होगी. कल के वीडियो में भी मैंने सेम बात की थी, quantitative tightening नहीं होगी. Inflation के concerns है वो cool off हो गए. Okay, so we'll discuss about that. पहले निफ्टी, निफ्टी क्या लग रहा है. तो यार हमारा तो पहले वीकली चार्ट लगा देता हूँ. अभी जो लोग वेव को चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कि ये एक बुल मार्केट था, फिर ये बेयर मार्केट. हम लोग तो बेरिश थे, जो हम लोग को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है यहाँ पे हम लोग बहुत बेरिश थे. बहुत ट्रोलिंग हुआ था हमारा कि भाई हरदम निगेटिव रहते हो. अभी भाई मार्केट बेरिश था तो हम बेरिश थे, यहाँ पे ये रैली में हमने बाय भी किया था, लेकिन ओवरऑल पूरे ये सारे के सारे फॉलो फॉल में हमने बेचा है, भर भर के, जी भर के बेचा है. अभी बेचने का टाइम गया, अभी बेचने का टाइम गया, अभी टाइम है लेने का. 15200 जब मार्केट आया था, 15183 के आसपास, वो दिन से बोल रहा हूँ भाई ले लो मार्केट में माल, ले लो, छापो इन्वेस्टर ने मार्केट में पैसा भरना है, मार्केट में स्टॉक्स लेने हैं, अच्छे वैल्यूएशन से मिल रहे हैं स्टॉक, ले लो ले लो ले लो. बाद में ये भाव नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा बुल मार्केट आएगा ही आएगा, तेजी आएगी. जैसे यहाँ पे हम मैंने क्लियरली बोला था यहाँ पे कि बुल मार्केट खत्म, बेयर मार्केट आएगा, बहुत बड़ा फॉल आएगा. ऑब्वियसली निफ्टी नहीं गिरा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक 40-50% गिरे हैं, तो वो हो गया. अभी बेयर मार्केट खत्म हो रहा है, बहुत बड़ा बुल मार्केट आएगा. अभी बहुत अर्ली हो, आप बोलोगे यार अभी 16800 भी नहीं ब्रेक किया है और
कैसे बोलते हो बुल मार्केट का आएगा ना भैया, आएगा ना, 16-800 भी ब्रेक होगा सारे लेवल पे, 17-800-18,000 सब लेवल ब्रेक होंगे, ऐसा शॉर्ट कवरिंग आएगा ना अभी कि ऐसा शॉर्ट कवरिंग आएगा कि चड्डी उतर जाएगी बेचने वालों की। बेचना नहीं है, हम बेच बेच के अभी हो गया हमारा बेचने का टाइम खत्म, अभी लेने का टाइम, बाय द डिप, मार्केट इज बाय द डिप। तो थर्ड वेव आ रहा है, बहुत बड़ा बुल मार्केट, ओके। अभी आज क्लियरली बेस ब्रेकआउट है, आज तो क्लियर ब्रेकआउट है, कल एक बार नीचे आया था, आज तो क्लियरली दिया है, आज तो क्लियरली ऊपर ब्रेकआउट दिया है। हाँ, अनलेस के 900 के नीचे जाता है वापस, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता तब तो मार्केट बुलिश ही है, और मींस 900 के नीचे भी जाता है शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकता है, लेकिन मंदी नहीं आएगी बॉस, मार्केट में बाय द डिप ही है, डिप आता है तो बाय ही करना है, ऊपर अभी आज ब्रेकआउट आया है तो मार्केट तेजी करेगा, आई बिलीव दिस इज वेव 1-2, अभी थर्ड वेव चालू है, थर्ड वेव आ रहा है, बहुत बड़ा मार्केट आएगा बुल मार्केट, बहुत ऊपर जाना है मार्केट को, बहुत 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 ऊपर जाना, you just don't know how much, मार्केट का बेस अभी ये बेस हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बोलो, ये तो अभी प्रॉपर इनवर्स है, शोल्डर हेड शोल्डर, अभी आज ब्रेकआउट है, कल एक बार फॉल्स हुआ था, आज है सस्टेन हो, आज क्लोजिंग दिया है 15920 के ऊपर, यस, तो डेफिनेटली दिस इज अ ब्रेकआउट, और अभी मार्केट अच्छा सस्टेन होगा, तो फर्स्ट लेवल ऑब्वियसली 15190 के आसपास, फिर ये लेवल आएगा 480 के आसपास, तो इमीडिएट में ये दो लेवल है 15190, 15350, 15480 आ सकता है, और वहां से सप्लाई शायद आएगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश ही दिख रहा, मुझे मार्केट बुलिश ही दिख रहा है। मैं कल भी बोला था कि जब तक लोअर बॉटम नहीं आता, कोई भी लोअर लो नहीं आता, बेचने का तो है ही नहीं, बेचने का तो है नहीं भैया, मार्केट बुलिश है, मार्केट इज बुलिश, यस मार्केट इज बुलिश, ओके। बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आया है, तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने मार्च का लो नहीं तोड़ा है, यस निफ्टी में मार्च का लो ब्रेक किया था, यस दिस वाज मार्च लो, वो ब्रेक किया था और अभी वापस ऊपर, तो 15700 के नीचे सारे लोग बेरिश, और मैंने तो क्लियरली बोला था पहले से ही, 15700 के नीचे जब सारे लोग बेरिश हो जाएंगे मैं बुलिश होने वाला हूँ, तो मैं बुलिश हूँ, यहाँ से मैं बुलिश ही रहूंगा जब तक मार्केट बेरिश नहीं होता, ओके। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, यस आई एम बुलिश बैंक निफ्टी पे, ओके। बैंक निफ्टी में अभी ये जो लेवल है, देखो ये लेवल के ऊपर नहीं जा रहा था, ये 34300 के ऊपर नहीं जा रहा था, ये वाला पहले तो 32800 है, यस 33800 का लेवल था, वो कंफर्म, वो तो एकदम कंफर्टेबली मार्केट ने उसको क्रॉस किया है, और अभी ये जो स्विंग हाई था उसके भी ऊपर आज ब्रेकआउट दिया है, अभी ये एक गैप पॉइंट है, 34000 लो है उसका 34,346, तो कल उसके ऊपर ही जाएगा, ऑफ कोर्स गैप तो क्लोज हुआ है ऑब्वियसली, तो कल उसके ऊपर ही जाएगा, तो फिर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हैं हम लोग, 35,500 ये है फर्स्ट, 35,450 से लेके 36,000 का अपसाइड देखे जा सकता है बैंक निफ्टी में डेफिनेटली। So this is again higher bottom. See, this is higher bottom and higher top भी बना है, तो एक और rally आएगा, फिर वापस शायद higher bottom बनाएगा,
जब तक मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है तो क्यों मंदी करने का। हाँ ओवरऑल थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे अभी तक तेजी नहीं दिखाई देगी आपको, लेकिन तेजी की शुरुआत ऐसे ही होती है। सब लोग बेरिश, सब लोग स्केप्टिकल, यस बहुत भीड़ होती है बेरिश वाले जगह पे, समझ जाओ क्राउड की साइकोलॉजी क्या है। ओके तो अभी इंडाइसेस देखेंगे हम अपने, उससे पहले हम लोग एक बॉन्ड यील्ड्स वापस मैं डिस्कस करता हूँ, यूएस एंड वाई। आई नो कल ही डिस्कस किया था वापस क्या ना, लेकिन जो लोग नहीं देखते मींस आज नया देख रहे उनके लिए कर रहा हूं मैं। तो ये 10-year बॉन्ड यील्ड है, ये बेसिकली इसका ये अभी जब बॉन्ड यील्ड राइज होता है तो उसका इंडिकेशन होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए बॉन्ड यील्ड बढ़ता है। तो अभी बॉन्ड यील्ड का टॉप हो गया, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है तो उसका इंडिकेशन है कि इन्फ्लेशन अभी कूल ऑफ हो रहा है। तो जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है ऑलरेडी कूल ऑफ हो रहे हैं। आप देखोगे कल क्रूड तो 10% गिर गया, बहुत सारे बेस मेटल प्राइजेस गिरे हैं, कमोडिटी प्राइजेस गिरे हैं, यूएस में कॉटन वीट सारे अपना एनर्जी के प्राइजेस गिरे हैं, नेचुरल गैस $10 का $5 आ गया। मैंने मीन $10 से नीचे आएगा पर मैंने चार्ट डाला था लास्ट ईयर ही डाला था, वो तो फर्स्ट तो 5 से 10 का डाला था और 10 से वापस नीचे, तो 10 से अभी वापस 5 आ गया। सो ऑब्वियसली मीन अगर गैस की प्राइसेस आधी हो गई है लास्ट 2 महीने में तो इन्फ्लेशन का डेटा कूल ऑफ ही है ना। क्रूड भी नीचे आ गया है, क्रूड और तोड़ेगा शायद $90 तो जाएगा, क्रूड $80-$90 तक जाएगा। क्रूड इज द लास्ट, ओके कमोडिटीज आर लास्ट टू बॉटम आउट, लास्ट में होते हैं कमोडिटी का बॉटम, पहले बॉन्ड और इक्विटी में होता है फिर कमोडिटी लास्ट में होती है। तो क्रूड का भी बॉटम होगा, क्रूड का निगेटिव अभी शॉर्ट टर्म में कोरिलेशन निगेटिव है। तो क्रूड गिरा था, बॉन्ड यील्ड गिर रहा है, क्रूड तो भैया क्रूड को तो लग गई हो, क्रूड के तो लग गई हो, तो क्रूड तो नीचे जाएगा। ओके अभी देखते हैं अपने, तो भाई दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स, ओके ऑटो इंडेक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है। और मीन्स कोई अगर कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी बिलियन ट्रिलियन फंड मैनेज करता हो, वो बोलता है कि ऑटो का डेटा सही नहीं है, ऑटो के नंबर्स गलत है, ऑटो में सेल्स नहीं है। भाई ऑटो में सेल्स नहीं है तो इतने मार्केट में, इतने मंदी वाले मार्केट में ऑटो के स्टॉक ऊपर क्यों है, ऑल टाइम हाई पे क्यों है? तो ये सारी बकवास सुनो मत, कुछ सब फैक्ट गलत है, कुछ हिडन एजेंडा होगा या फिर कुछ दिखता नहीं होगा, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स द हिडन एजेंडा बिहाइंड गिविंग डूबियस फैक्ट्स। आइदर दे डोंट नो हाउ टू रीड फैक्ट्स और आइदर दे आर वेरी बायस्ड। मार्केट इज बुलिश, प्राइस एक्शन देखो, भाव भगवान छे, भाव भगवान छे, भाव के आगे सबको झुकना पड़ेगा, कौन से फैक्ट न और क्या, सब मैक्रो फैक्रो सब बकवास है। आई कैन ओपनली चैलेंज ऑटो स्टॉक इतनी तेजी लाएंगे ना, ऑटो के सेल्स इतने तेजी लाएंगे ना कि सब फैक्ट बैक सब भूल जाएंगे। अपने पास फैक्ट अपने पास रखो, पब्लिक को टोपी मत पहनाओ, बुल मार्केट ऑटो में तो है और ऑटो के नंबर्स अच्छे ही आएंगे और ऑटो स्टॉक्स यहाँ से भी और भागेंगे। तुम रुक के दिखाओ यार, करो हिम्मत है तो शॉर्ट ऑटो स्टॉक में, नहीं तुम्हारी चड्डी उतार दी ना ऑटो स्टॉक ने, नहीं तुम्हें बैंकरप बना दिया ना यार, ₹1 का शॉर्ट करेंगे नहीं ऑटो में और व्यू देने आ जाएंगे फैक्ट वैक्ट। चल FMCG में भी ओके, सो ऑटो स्टॉक्स आर बुलिश, कोई भी ऐरा गैरा नट्टू खैरा, कोई भी कितना भी फंड हो जो बोलता है कि ऑटो स्टॉक के नंबर गलत है, भाई ऑटो स्टॉक बुलिश है, रोक के दिखाओ ऑटो की तेजी, भाई ऑटो की तेजी रोक के दिखाओ आप लोग, ऐसा तेजी आएगा ना ऑटो में यार। हम लोग भाव भगवान छे भाई, इतना तेजी कर रहा है मार्केट और तुम बोल रहे हो कि नंबर्स गलत है ये वो,
क्या क्या बोलेंगे अभी, ये पागल लोग है, ये पागल लोग है, या तो पागल है, बेवकूफ है, या तो ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे, या खुद बेवकूफ है या आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो क्या है वो पता नहीं मुझे, लेकिन भाव बोल रहा है तेजी है ऑटो में। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और ऑटो ने अच्छी तेजी दी थी, वापस यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे है और तेजी देगा ऑटो, तेजी देगा ऑटो, ऑल टाइम हाई पे है ऑटो इंडेक्स, तेजी करेगा ही करेगा। पुल बैक आ सकता है शॉर्ट टर्म में, तो उसको मंदी मत समझना, बाय द डिप ही है ऑटो में, और ऑटो बहुत बड़ा तेजी देगा ऑटो का। सो ऑटो स्टॉक में बाय ऑन डिप है, सेलिंग तो करो नहीं भाई, मर जाओगे, उतर जाएगी चड्डी, उतर जाएगी, बोल रहा हूं मैं, वापस बोलता हूँ। यस, सो ऑटो इज बुलिश एफएमसीजी भाई, कंजम्पशन नहीं है बोलते हो एफएमसीजी ये वो फलाना डिप का, के एफएमसीजी में मींस कोई भी रहेगा यार, मींस मैनेजर हो, ये एड कैंपेन चलाते हो, कुछ भी हो भाई, है वीबीएल इतना ऊपर क्यों है भाई। एफएमसीजी इंडेक्स तेजी कर रहा है, ओके निफ्टी एफएमसीजी, ओके अरे क्या तेजी है यार इसमें, इसको बोलते हैं तेजी बॉस। अरे यार आखे अंधे हो क्या आप, अंधे हो क्या, इतनी तेजी आ रही है। अगर आपको मार्केट समझना है तो मार्केट पे व्यू देने आते ही क्यों यार, तुम हो कौन यार, वो कौन मार्केट का व्यू देने वाले, पब्लिक को मिसगाइड करने वाले। हाँ इतना तेजी हो रहा है ऑटो इंडेक्स में और सॉरी ऑटो में तो हो रहा है, एफएमसीजी में भी हो रहा है, और आप बोलते हो कि नंबर्स रॉन्ग है, कि कंजम्पशन है नहीं इंडिया में, कंजम्पशन स्टोरी है नहीं, ये वो बकवास। अरे बकवास है तुम्हारे, बकवास सारे बंद कर दो, ऐसा तेजी आएगा एफएमसीजी में, चड्डी उतर जाएगी, तुम शॉर्ट तो करके देखो, शॉर्ट करके देखो एफएमसीजी स्टॉक को। सो बुलिश है बॉस, एफएमसीजी इज बुलिश, कंजम्पशन है, कोई बकवास स्टोरीज मत सुनो, मार्केट देखो भाव भगवान से, बाजार नीचे आएगा प्राइस तो हाँ भाई हम लोग मानेंगे, हाँ चलो मंदी 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 यार, 8 महीने से हम लोग मंदी कर रहे हैं, 8 महीने से मंदी में ही हूं मैं, समझ रहे हो। ओके तो एफएमसीजी इंडेक्स में यार तुम कहां से मंदी लाओगे भाई, चड्डी उतार देंगे भाई तुम्हारी, चलो 1 लाख एफएमसीजी इंडेक्स यार है, ट्रिपल हो जाएगा, क्या करोगे, क्या डबल हो जाएगा, क्या उखाड़ लोगे, क्या उखाड़ लोगे। या आई एम वेरी अपसेट विद दिस ऑल इडियट्स। आप बोलेंगे कि हाँ क्या देहाती लैंग्वेज यूज करता है, व्हाटएवर, लेट देम स्पीक दैट आई एम रूड, आई एम यूजिंग रबिश लैंग्वेज, बट सी इफ द मार्केट इज बुलिश एंड यू आर मैनिपुलेटिंग समथिंग, मैनिपुलेटिंग द फैक्ट्स, इफ यू आर मैनिपुलेटिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को आप तोड़ के मरोड़ के कुछ भी प्रेजेंट करते हो आपके हिडन एजेंडा के लिए, तो भैया आपको गाली ही देंगे। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, बस ये समझो कि मैं गाली नहीं दे रहा हूं। एफएमसीजी में तेजी है, ऑटो में तेजी है, कंजम्पशन सोरी है, बुल मार्केट आएगा, रोक के दिखाओ भाई, रोक के दिखाओ, कितना शॉर्ट करोगे, कितना शॉर्ट करोगे यार, यार क्या बोलेंगे अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स विच इज एंटरिंग in a bullish phase is PSU bank. भाई market मंदी करेगा तो हम भी आएंगे मंदी करने, 8 महीने से तो मंदी ही तो कर रहे हैं भाई, 8 महीने से हमने मंदी नहीं की, तब तो लोग ट्रोल करते थे कि क्या मंदी मंदी बोल रहा है। तभी तो ट्रोल करने आते थे लोग, मंदी कर बोल रहे थे तभी, अभी भी ट्रोल करेंगे तेजी बोल रहे तो। तो PSU बैंक इंडेक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है, क्यू स्ट्रॉन्ग क्यू है ये इंडेक्स। अरे यार सिंपल है भाई, इतने मंदी में ये इंडेक्स तोड़ा है क्या, देखो ना ये है नवंबर का टॉप, कितना तोड़ा है, क्या रिट्रेसमेंट है यार, कुछ नहीं, मीन्स बाकी के स्टॉक इतने टूट गए, आईटी स्टॉक टूट गए, मेटल्स टूट गए, हाँ मेटल्स तो ऑब्वियसली 50% गिरना मेटल्स का तो बहुत मीन्स एकदम ये तो नॉर्मल है यार, नॉर्मल चीज है 50% फॉल आना मेटल स्टॉक में। यार फोरेक्स राइज आने के बाद
50% फॉल तो बनता है भाई, जो नए बच्चे को नए लोग जुड़ जाते हैं स्टॉक मार्केट में उनको बाहर तो निकालना है। हाँ तो अभी मेटल स्टॉक ले लो भैया। तो पीएसयू देखो, ये पहले जो सेक्टर स्ट्रांग है ना उसको उसके पीछे पढ़ो, उसके बाद फिर टर्न अराउंड स्टोरी होगा मेटल्स में। तो पीएसयू स्ट्रांग है, ऑटो स्ट्रांग है, एफएमसीजी स्ट्रांग है। अभी पीएसयू अभी ऊपर आएगा, अभी पीएसयू बैंक्स में तेजी आएगी। यस, क्योंकि इंडेक्स बुलिश है पीएसयू बैंक का। यस, ब्रेकआउट आ रहा है, सो कर लो तेजी भाई पीएसयू बैंक में। तो आई एम बुलिश ऑन 3 बैंक्स। एसबीआई, एसबीआई में हूं मैं बुलिश। आज ही मैंने एफएनओ में पोजीशन लेके गया, और पोर्टफोलियो के लिए तो मैं ये स्टॉक सजेस्ट कर ही रहा हूँ लास्ट 2 मंथ से, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एसबीआई। अभी आपको 480 दिख रहा है, आपको 4000 भी दिख रहा है। अभी 4000 बहुत बड़ा टारगेट बोल रहा हूँ, लेकिन 10 साल का, 10 साल में 4000 दिखेगा, 10x जाएगा ये स्टॉक। ओके, सो जो भी है वो एनपीएस विनपीएस कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव आना है। देखो आप, मार्केट बुलिश है, एसबीआई बुलिश है। ओके, और देखो सिंपल मेरे व्यू इन्वेस्टर के लिए है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर आपको तो भाई शॉर्ट टर्म का ही व्यू रखना है। कल एसबीआई 25% नहीं बढ़ने वाला। हाँ मेरे पास एफएनओ में है लॉन्ग, लेकिन मैं एफएनओ का जो ट्रेड है वो मैं 2 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करता। 2-3 दिन एफएनओ का ट्रेड होल्ड करता हूँ, उसके बाद नए ट्रेड में स्विच होता हूँ। लेकिन एज अ इन्वेस्टर डेफिनेटली होल्ड, यस बाय एंड होल्ड है अभी मार्केट। और स्ट्रॉन्ग सेक्टर में रहो तो एसबीआई में ब्रेकआउट है। प्लीज देखो, इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों व्यू अलग अलग होते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए मेरा व्यू बहुत एकदम अग्रेसिव बुलिश अभी नहीं हो, मॉडरेटली बुलिश हो ऑब्वियसली ट्रेडिंग के लिए। और 2-2 दिन में व्यू चेंज करने भी पड़ते हैं, जब मार्केट मीन्स अभी बॉटम प्रोसेस है, बॉटमिंग का प्रोसेस है, तो ऊपर नीचे होगा भाई। या वीकनेस आएगा, शेकआउट होगा, जो नए नए बुल्स बनते हैं वापस की, हाँ उनको लगता है हाँ अभी तेजी आएगी, उनको बाहर निकालेगा मार्केट नीचे लाके मार्केट को। तो जैसे कल बाहर निकाला और बेयर्स को ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया, तो आगे जाके भी ऐसे शेकआउट तो आने वाले हैं। शायद 16200 से एक आ सकता है, या फिर 16400 से शेकआउट आएगा। शेकआउट तो आएगा लेकिन लोअर लो नहीं बनेगा। जब तक लोअर लो नहीं बनेगा ना, मंदी करने का नहीं है मार्केट में, मंदी करने का नहीं। कल भी बोला था मंदी नहीं करने का, बोला था ना। क्या हो गया? सो एसबीआई इज बुलिश, अनदर इज कैनरा बैंक। तो ऑटो में ऑलरेडी मारुति हमने दिया था। ओके, ऑटो का एक डिस्कस करता हूँ बाद में। ओके, तो कैनरा बैंक आई थिंक 120 का टारगेट कोई भाई साहब दे रहे थे, उनको पूछना कि क्या हो गया वो 120 के टारगेट का। कैनरा बैंक कब आएगा 120 का टारगेट? हमारे लिए तो भाई अभी देखो, आप इन्वेस्टर हो तो ये लो के स्टॉप लॉस से होल्ड करो, लेके होल्ड करो बिंदास ये लो के स्टॉप लॉस से। यस, हम लोग स्टॉप लॉस देते हैं। अभी वो बोलते हैं स्टॉप लॉस क्यों रखने का भाई, हम तो रखते हैं भाई, हम मानते हैं कि हाँ भाई हम रॉन्ग भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस से काम करते हैं। तो कैनरा बैंक में यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, सो पॉसिबल है कल ही अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा इसमें कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक में मेरा कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन यस आई एम बुलिश एज एन इन्वेस्टर। एसबीआई पे भी सेम। ओके, और लेट्स सी ऑटो स्टॉक। तो मारुति तो है भैया, मारुति का अभी टारगेट मैं दे दूंगा तो लोग पागल हो जाएंगे। तो आज वापस तेजी आई है मारुति में कंसोलिडेट होने के बाद, तो कल वापस शायद मारुति में मोमेंटम आएगा अपसाइड। मारुति का टारगेट सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे, वो 6000 विजर तो आने नहीं वाला भैया। मारुति 6000 बोल रहे हैं, 5000 क्या बोल रहे पता नहीं। तो मारुति देखो सिंपल, मारुति एक बार ये 8000 क्रॉस करने दो, एक बार फिर मजा देखो भैया। एक बार ये लेवल क्रॉस करने दो, 8000 नहीं, सॉरी व्हाट इज दिस लेवल, 9000 अप्रॉक्स।
8900 क्रॉस करने दो मारुति में, फिर मजे देखो मारुति का। तो मारुति का भी फिफ्थ वेव चालू है, उसमें वापस बहुत लंबा चलने वाला है मारुति को, ऐसा ऐसा तेजी आएगा ना मारुति में। 20,000 का टारगेट दूंगा इन्वेस्टर को, पागल हो जाएंगे लोग। और 6,000 की बात करते हैं हम लोग, 20,000 की बात कर रहे हैं। अरे कैसे, इतना पी क्यू है, उतना पी क्यू है भाई, बड़बड़ता है तो ले लो, वरना जाओ दूसरी कंट्री में, यूएस में माया ले लो भैया। ओके, टाटा मोटर आई थिंक अभी थोड़ा आना चाहिए ऊपर, अभी तक नहीं हुआ है। सो आई थिंक टाटा मोटर विल बी गोइंग, अभी उसमें आएगा मोमेंटम टाटा मोटर्स में गोइंग फॉरवर्ड, मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स में मोमेंटम आना चाहिए अपसाइड में। तो ये लेवल है 430 के ऊपर, 20 के ऊपर, अच्छा खासा 25 के ऊपर। तो कल ही लगता है टाटा मोटर्स में मोमेंटम आना चाहिए, तो ये सारे स्टॉक देख लो। हाँ वो 200-300 क्या बोल रहे पता नहीं, वो तो नहीं आने वाला, 350 के नीचे तो जाना नहीं वाला। अरे यार निफ्टी इतना नीचे गया, ये कहाँ पे, ये देखो 370 में, सभी टाइम 370 का सपोर्ट लिया है टाटा मोटर, तो नीचे कहाँ से जाएगा भाई। तो ऑटो में है, कल शायद 425 के ऊपर जिस दिन आ जाएगा, अच्छा खासा मोमेंटम देगा टाटा मोटर। ओके, तो पीएसयू बैंक में अपना हो गया, केनरा बैंक दे दिया और एसबीआई। ओके, अभी नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं। तो देखा मेटल वीक है, मेटल्स आर द लास्ट टू बॉटम आउट। तो स्मॉल कैप देखते हैं, स्मॉल कैप का कोई स्टॉक नहीं दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली 100 स्टॉक है तो कौन सा ढूंढते बैठेंगे भाई। जो मार्केट इतना स्ट्रांग है स्मॉल कैप इंडेक्स, तो कहां से मंदी आएगी भैया, ब्रॉड मार्केट स्ट्रांग है तो मंदी कहां से लाओगे। सो कल लगता है स्मॉल कैप में भी आएगा अच्छा खासा तेजी। ये ब्रॉड मार्केट इज स्ट्रांग, तो और देखते हैं इंडेक्स। पीएसयू बैंक तो देख लिया, तो रियल्टी इंडेक्स अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, रियल्टी देख लेते हैं। तो देखो रियल्टी इंडेक्स में वीकली लगाता हूँ पहले चार्ट, फिर आपको समझ में आएगा। तो वीकली चार्ट पे रियल्टी में यहाँ पे 10 साल का ब्रेकआउट, 10-12 साल का, ये देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट है और ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट किया है अभी। अभी नेक्स्ट लेवल ये आएगा जब यहाँ पे ब्रेकआउट देगा ना मार्केट ये लेवल पे, तो फिर मीन्स तो फिर बहुत बड़ा तेजी आएगा। यस, रियल एस्टेट इंडेक्स आने तो उसके ऊपर, ऑब्वियसली उसके ऊपर आना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है बुलिश। यस, शॉर्ट टर्म में है रियल एस्टेट बुलिश, तो मीन्स कोर सेक्टर में तेजी आ रही है। और आप बोलते हो कि मार्केट गिरेगा, हाँ रियल एस्टेट नीचे, रियल एस्टेट में तेजी आ रही है, ऑटो में है, एफएमसीजी में है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स देखते हो। तो रियल एस्टेट में ऑलरेडी डीएलएफ एक है, मैं हम लोगों ने स्टॉक दिया है। यस, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ सकता है शॉर्ट टर्म में डीएलएफ में। यस, तो दूसरा स्टॉक है लोधा मैक्रोटेक डेवलपर, सनटेक रियल्टी भी है। तो लोधा ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग पकड़ के रखा है और लगता है अभी एक मोमेंटम आएगा, बुलिश मोमेंटम इसमें। यस, सनटेक रियल्टी है जो एक स्ट्रांग स्टॉक है। यस, ऑलरेडी यहाँ पे होल्ड करके रखा है तो शायद आ सकता है इसमें मोमेंटम। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भी ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट 10-12 साल का, ये देखो।
ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रेकआउट 12 साल का वीकली चार्ट पे खाता हूँ। ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आने के बाद एक बस पुल बैक दिया, यस, और शायद अभी खत्म हो गया मंदी उसका, ओके मंदी खत्म तो हाँ ऑब्वियसली ये लेवल के ऊपर आना अभी इम्पोर्टेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक लेवल है, इसके ऊपर आना चाहिए, अभी थोड़ा वीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ही स्टॉक में मेरे पोर्टफोलियो का बताऊंगा मैं, कैपिटल गुड्स में है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। मुझे लग रहा है अभी ये अच्छा खासा तेजी करना चाहिए। और मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हो, ट्रिंकर पे है एक छोटा सा कलेक्शन, इन्वेस्ट विद ट्राइब पे भी है, तो देख लो मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स क्या क्या मैं बुलिश हूँ, ट्रेड्स भी मैं शेयर करता हूँ। सो एवरीथिंग इज ओपन विद अस, ओके, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ऐसे नहीं रहता हमारा। तो भेल इज वेरी गुड, आज ये जो स्विंग हाई है उसके ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, ओके। सो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, मार्केट इज बुलिश, द सेंटिमेंट्स आर निगेटिव बट द डेटा बट द चार्ट्स आर बुलिश। भीड़ गलत ही होता है, क्राउड सेंटिमेंट हमेशा गलत होता है, क्राउड हमें बेयर वाले बेयर के स्पेस में जाता है, क्राउड ज्यादा 1000 लोग 1200 लोग, आई डोंट नो, आई मीन मुझे करना तो नहीं चाहिए ऐसा किसी को ट्रोल, लेकिन भाई मैं ट्रोल नहीं कर रहा। अब पब्लिक को ना मिसगाइड मत करो, मींस रहेगा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, आपका व्यू रहेगा, जो भी रहेगा भाई, लेकिन यार हम लोग भी कुछ कम नहीं है, हम लोग का भी व्यू है। और ऐसे नहीं है कि मंदी की नहीं है, हमने लास्ट 8 महीने से मंदी ही तो बोल रहे थे, अभी आ रही है तेजी। हाँ, हम लोग चेंज भी करेंगे व्यू, अगर गलत जाता है, अगर वापस लगेगा कि मंदी आएगी वापस तो मंदी बोल देगी, लेकिन अभी नहीं लग रहा मंदी आएगी, अभी बुल मार्केट है तो हम बुल का ही व्यू देंगे ना यार, क्यों वो 12,000 की बातें करते हो यार, जाने दो हमें क्या लेना देना। लेकिन क्राउड इज ऑलवेज रॉन्ग, क्राउड साइकोलॉजी समझो, एवरीवन एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज बेरिश बट द डेटा बट चार्ट्स आर बुलिश, तो शॉर्ट कवरिंग आएगा। FII का कल डेटा पॉजिटिव था, आज का पता नहीं मुझे, आज का भी शॉर्ट कवरिंग ही आया रहेगा शायद से। सो चार्ट्स आर बुलिश, मार्केट इज बुलिश, बाकी जिसको मंदी करना है करने दो, शॉर्ट कवरिंग आएगा। सो दैट्स इट, आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स भी डिस्कस किए हैं मैंने, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के। सो शेयर इट मैक्सिमम, लाइक शेयर कमेंट करो, और क्या चाहिए आपको, यस वायरल कर दो ये वीडियो को, चैनल को थोड़ा मोटिवेट करो, कीप लविंग कीप शेयरिंग। दिस इज हर्षदीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।